जय किशन रोड़ी साहब अज दूजी बार सहुं चुक के आए ने। रोड़ी साहब दूजी बार सहुं चुकी है, पहली बार तो अपोजिशन सी, हुण तुसीं पावर दे विच आ गए, की सोचिया की करना है हुण खास करके अपने हल्के दे? हल्के दे विच सब तो पहला चिट्टा खत्म करना और जिहड़े धीआं पुत साडे जिहड़े आ भ्रिष्टाचार के कारण बेरोजगारी के कारण नशे वल जा रहे सी उन्हां नूं वापस लैके आउणा, उन्हां बच्चिआं नूं असीं जिहड़ा मुड़ के रीहैबिलिटेशन करके जिहड़ा बिल्कुल इलाज करवा के ठीक करवाउणा उन्हां नूं। थोड़े दिनों बाद मंत्री भी चुन ले जाएंगे और खास तौर पर सीनियोरिटी के बेस से तो तुम 10 बंदे हो पुराने, जदों ये बंदे चुने जाएंगे जिहड़े जिन्हां नहीं मंत्री बनाया जाऊगा कि बाकी पार्टियां दे वांगू रौला तो नहीं पाऊगा तुहाडी पार्टी? असीं मंत्री MLA बनने नहीं आए, लोगों की सेवा लिए आए थे और केजरीवाल साहब ने बड़ी वड्डी कृपा की, दूजी बार बिना मंगे टिकट दिती है और गढ़सिंघ के लोगों ने पंजाब की विधानसभा दूजी बार बिना पैसे तो बिना शराब तो भेजे, असं अहद्या लड़न नहीं आए, असं लोगों लड़ना है और लोगों की समस्या मान मंजूर हो सारे सारे विधायकों के पिछों जो पार्टी डिसिपलिन रहा जाऊगा सारे को। तुहाडे विरोधी कह रहे हैं कि बहुते विधायक जिहड़े पहलां वाले सीगे वह वेव चों जित गए, जितना बनता नहीं सी, कहिंदे वेव चों जित गए, उन्होंने कोई काम नहीं होए सी, लोग उन्होंने कहिंदे सी कि आप साइडलाइन करिए पर वेव चों दोबारा जित गए। उन्होंने धन्यवाद बहुत बहुत जिहड़े कहिंदे आ तां इह सन जय किशन रोड़ी सीधे तौर पर कहिंदे ने कि जेकर मंत्री जिहड़े बन गए, जेकर सानू मंत्री नहीं भी बनाया जाता जां सीनियोरिटी के तौर पर नहीं बनाया जाता तो कोई सानू मंजूर होएगा जिस तरह के नाल भी मतलब फैसला होएगा हाईकमांड का। तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं तो विधानसभा के बाहर जिहड़े सारे लीडर जिहड़े ने वो आ रहे हैं।